हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो हम लोग कर रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है, उसमें आपका टॉपिक है बालक का शारीरिक विकास। देखिए, सबसे पहले हम बालक के शारीरिक विकास की बात करते हैं, उसके बाद हम संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, जिसमें हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामाजिक वायगोस्की का देखेंगे। संवेगात्मक विकास जब हम देखेंगे तो वो मैकडूगल की थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये सभी आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में भी है। यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके आते ही हैं, आपकी फर्स्ट यूनिट में से ही आपके 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे ही। तो यदि आप बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप कितना इन चीजों को समझ पाते हो। मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी कराती जाती हूँ, बताती जाती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा भी गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन चीजों को कितना समझते हो। प्लीज अच्छे से इनको समझने की कोशिश करिए। कोई भी आप टीचिंग एग्जाम देते हो, रीट हो या सीटेट हो, कहीं का भी आप टीचिंग एग्जाम देते हो जहाँ साइकोलॉजी पूछी जाती है, वहाँ आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे ही। आप इनसे किसी से भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। आप अगर ये सोचो कि मैं ये टॉपिक ना पढ़ूं और कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ लूं जो एग्जाम में आ जाएं, देखिए ये बेस है, यही आपका क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे कर पाओगे। तो ये तो था मेरी तरफ से ये एक बात आपको बताने की। अब आप किस तरीके से कर रहे हैं पढ़ाई, ये आपके एनसीईआरटी और आरबीएसई इन दोनों से मिलाकर बनाए हुए नोट्स हैं। इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बालक का शारीरिक विकास, हरलोक ने जीवन काल का विभाजन 11 अवस्थाओं में बताया है। तो ये हरलोक महोदय ने बताया है, ठीक है। याद रखना है कि हरलोक ने जो बालक के शारीरिक विकास है उसकी 11 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट है जन्म पूर्व अवस्था। अब इस अवस्था में 3 स्टेज आती हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फेटल, जिसे हम डिंब, भ्रूणावस्था या गर्भावस्था कहते हैं। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश आपको याद रखनी है, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तब कंफ्यूजन हो जाएगा कि याद होती हुई भी चीज जो है वो आप सही नहीं कर पाएंगे। याद रखना है जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फेटल, इस तरीके से याद रखिएगा, GEF, ठीक है, GEF याद रखिएगा। तो डिम्ब की जो अवस्था होती है वह 15 दिन में ही, जो माँ के गर्भ में डिम्ब जो है वो 15 दिन में बन जाता है। नेक्स्ट आती है भ्रूण अवस्था, जो कि अंग में बढ़ोतरी जो है वो 2 महीने तक होती है। भ्रूण अवस्था जो है वो 2 महीने तक होती है। उसके बाद आती है गर्भावस्था, जो कि 9 महीने तक होती है वो, और अधिकतर हम जानते हैं कि 9 महीने तक गर्भावस्था होती है। तो ये तीनों स्टेज जो हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए ये पूछा गया था कि जन्म से पहले की जो अवस्था होती है उसमें सेकंड स्टेज कौन सी होती है, कौन सी होती है, भ्रूण अवस्था, ठीक है, कौन सी होती है, एम्ब्रियोनिक। भ्रूण से जन्म तक लंबाई जो है वह 50 सेंटीमीटर होती है। ये कौन कहते हैं, हरलोक। हरलोक कहते हैं कि भ्रूण से जन्म तक 50 सेंटीमीटर लंबाई होती है। अगर इंच में देखा जाए तो ये 20 इंच की होती है, और वेट जो है उस टाइम 7 पौंड वेट होता है। यानी कि जन्म से पहले जो सेकंड अवस्था हमने देखी थी एम्ब्रियोनिक, वहां पर जो वेट है वो 7 पौंड हो जाता है। नेक्स्ट है जन्म से 4 माह तक, अब जन्म हो चुका है तो उसके बाद वजन जो है वो पहले की अपेक्षा दुगना हो जाता है, यानी 14 पाउंड। पहले 7 पाउंड थी, उसके बाद कितनी हो गई, 14 पाउंड। सामान्यतः 1 पाउंड कितना होता है, 453 इंच का होता है। ये एक जनरल बात थी कि अगर आप सेंटीमीटर को या पाउंड को अगर इंच में बदलते हो तो 1 पाउंड जो है वो 453 इंच का होता है। रीट लेवल 1 के जो बच्चे हैं उनको शैशवावस्था से पहले की जो जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, संज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए रीट लेवल 1 के बच्चों के लिए, और रीट लेवल 2 के बच्चों के लिए ये सब आना भी चाहिए। और बाल्यावस्था और किशोरावस्था तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था से ही बनते हैं। जन्म से पूर्व अवस्था हम देख चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है हरलोक के अनुसार सेकेंड अवस्था है शैशवावस्था। इसे विश्राम की अवस्था कहते हैं, पठार की अवस्था कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि शिशु जन्म के बाद जो है वो लेटा ही रहता है,
वह खुद से कुछ नहीं कर पाता है, उसे जैसा लिटा दिया जाता है वो वैसा ही रहता है। तो यह चारपाई की अवस्था भी कहलाती है, यानी कि चारपाई पर लेटा हुआ ही रहता है। यह जन्म से 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। इस अवस्था में बाह्य वातावरण से समायोजन करने में बालक के सामने चुनौतियां आती हैं। अब बच्चा जब जन्म ले लेता है तो जैसे ही इन्वायरमेंट में आता है उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां उसके सामने आती हैं? उसके श्वसन की जो प्रक्रिया है वहां उसके चेंजमेंट हो जाता है, चूसने की प्रक्रिया आ जाती है जो पहले नहीं होती है, ये स्वयं ही उसमें आ जाती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया आती है, तापमान यानी माँ की गर्भ में उसका टेम्परेचर जो वो डिफरेंट था लेकिन जैसे ही वो एनवायरमेंट में आया टेम्परेचर उसे अलग मिला, वेट जो है वो पहले ज्यादा था अब जैसे ही एनवायरमेंट में आया वेट कम हो गया, शरीर का पीलापन। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है जैसे ही पैदा हुआ जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, तो वो यही कारण होता है कि जैसे ही वो वातावरण में आता है तो उसे अलग हर चीज मिलती है तो वो एडजस्टमेंट कर रहा होता है उस वक्त, इसीलिए उसका शरीर जो है वो पीला दिखाई देता है। तो ये सब जो अवस्थाएं होती हैं ये शैशव अवस्था की हैं, जैसे जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट है वत्सावस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की, ठीक है। इसमें शरीर में बहुत अधिक तेज गति से वृद्धि होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होगी, बाल्यावस्था में आके मंद हो जाएगी और किशोरावस्था में आके दोबारा से तीव्र हो जाएगी। जैसे ही उत्तर किशोरावस्था आती है तो वहां पर भी शारीरिक विकास जो है वृद्धि वह थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर नहीं बढ़ती है, ठीक है। हम वृद्धि और विकास का जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि वृद्धि जो है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है लेकिन विकास जो है वो हमेशा ही होता रहता है मृत्यु पर्यंत तक। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था। आपको याद रखनी है ये जो भी वर्ष बताए गए हैं ये हरलोक ने बताए हैं, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की, यहाँ शरीर में तीव्र वृद्धि होती है। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की, इसमें शरीर में मंद वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। कब? उत्तर बाल्यावस्था में। और अगर ऐसे पूछा जाए केवल, ना तो वहां पूर्व लिखाओ ना वहां उत्तर लिखाओ, केवल लिखाओ बाल्यावस्था, तो वहां पर आप लिखेंगे शरीर में मंद वृद्धि। यौवना आरंभ या वयसंधि अवस्था, यह 13 से 14 वर्ष की होती है और पूर्व किशोरावस्था 14 से 17 वर्ष तक की होती है। यहाँ पर शरीर में पुनः तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। देखिए आपने अगर माइंड में बिल्कुल सेट किया हुआ है कि शैशवावस्था में हाँ वृद्धि है वो तेज ही होगी, उसके बाद बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वो थोड़ी मंद हो जाएगी और उसके बाद फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, तो ये चीजें जो है वो आपको वैसे भी याद रहती हैं। उसके बाद देखिए उत्तर किशोरावस्था, अब किशोरावस्था का जो टाइम है वो एंडिंग पर है, तो यहाँ 17 से 21 वर्ष तक की मानी गई है हरलोक ने। यहाँ पर शारीरिक वृद्धि जो है वो मंद हो जाती है। उसके बाद पूर्व प्रौढ़ावस्था, यहाँ 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की, मध्य वयावस्था 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की, वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक की, यहाँ पर शारीरिक वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था तक आते आते शारीरिक वृद्धि जो है वो मंद हो जाती है और उसके बाद नहीं बढ़ती है। आपको विशेष तौर पर याद रखना है किशोरावस्था तक, ठीक है। और एज आपके ऑप्शन में आ सकती है इसलिए आपको ये एज भी है याद रखनी होगी और ये याद भी रह जाती हैं। तो ये तो था हरलोक के अनुसार शारीरिक विकास। अब हम पढ़ेंगे कि सामान्य तौर पर बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। जब आपको वहां हरलोक ना देकर कुछ भी ना दिया जाए, किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में ना दिया जाए, मात्र ऐसे पूछा जाए आपसे कि नवजात शिशु का शारीरिक विकास कितना होता है, वेट कितना होता है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको अभी बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट है नवजात शिशु का शारीरिक विकास। पूर्व नवजात शिशु जन्म से 30 मिनट तक का होता है, यहाँ पर वेट जो है वो 7.5 पौंड होता है और लंबाई कम होती है। देखिए हरलोक ने वजन जो है वो 7 पौंड का माना था, उसके बाद उन्होंने बताया था कि वह दुगना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए 7 ना होकर 7.5 पौंड होता है, बिल्कुल याद रखना है आपको अच्छे से। यहाँ लंबाई कम ही होती है थोड़ी, लेकिन जैसे ही नवजात शिशु 30 मिनट के बाद से लेकर 2 सप्ताह तक, यहाँ पर लंबाई जो है वो उसकी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे कि नवजात शिशु का चेहरा जो है वो चौड़ा होता है, जबड़े अविकसित होते हैं यानी कि बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ होता है जबड़ों का, गर्दन छोटी होती है, मांसपेशियां उपास्थि की बनी होती हैं, आंखें भूरी व बाल
रेशमी या मुलायम होते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन जो हैं वो पहले पूछे जा चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हो जो प्रीवियस पेपर हैं वो, तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये कि नवजात शिशु का वजन कितना होता है। ऑप्शन थे 7, 8, 7.5 या 8.5। आंसर था 7.5 पाउंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ से कि नवजात शिशु का जो शारीरिक विकास होता है तो वहां उसकी मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं। आंसर था उपास्थि की। ठीक है, अब इतने में से ही आपके दो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट जो है, एक एक लाइन जो है वो आपका क्वेश्चन बनती है। अब आप इतनी मेहनत भी करो और फिर उस क्वेश्चन को गलत कर दो तो ये आपके लिए ही बहुत ही लॉस होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इनको समझते जाइए। नेक्स्ट है शैशव अवस्था का शारीरिक विकास, जो कि 2 सप्ताह से 5 वर्ष तक का माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ता है, ये सब देखेंगे। जन्म के समय हमने देखा कि 20 या 21 इंच लंबाई होती है सामान्य तौर पर। वेट जो है वो 7.5 पाउंड होता है, यानी 6 से 8 के बीच में। ठीक है, उसके बाद 4 माह का लंबाई जो है वह भी बढ़ गई, 23 से 24 इंच तक हो जाती है। वजन जो है वो 12 से 16 पाउंड हो जाता है, यानी जन्म का दुगना। यदि 14 पाउंड आ जाए तब भी आपका आंसर राइट होगा, यदि जन्म का दुगना हो जाए 4 माह में तब भी आपका राइट आंसर होगा, यदि ऑप्शन में इस तरीके से दिया हो कि 12 या 16 पाउंड के बीच में होगा तब भी आपका आंसर सही होगा। तो ये आपको कंसेप्ट जो है वो ध्यान से समझना होगा। याद आपको ये करना है कि जन्म के समय कितना था। अब जन्म के समय के 4 माह के बाद जब उसका वजन देखा जाएगा तो उसका दुगना होगा। नेक्स्ट है 12 माह पर, यानी कि जब वो 1 वर्ष का हो जाता है तो उसकी लंबाई जो है वो 28 से 30 इंच हो जाती है। वेट है उसका 3 गुना हो जाता है, पहले 7 था उसके बाद दुगना हुआ, अब 3 गुना हो गया। ठीक है, 18 या 28 पाउंड के बीच में, यानी कि 7 का 3 गुना क्या हुआ, 21। ठीक है, ये 18 और 28 के बीच में ही 21 आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जन्म का 3 गुना कब हो जाता है वेट, जब वह 1 वर्ष का हो जाता है, या उसका वेट जो है वह 21 पाउंड कब हो जाता है, जब वो 1 वर्ष का हो जाता है, या जन्म का 3 गुना वेट कब हो जाता है, जब वो 1 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने बिल्कुल आपको क्लियर बात बता दी है। 5 वर्ष का होता है तो उसकी लंबाई 38 से 40 इंच होती है, वेट जो है वह 38 पाउंड हो जाता है, यानी जन्म का 5 गुना। ठीक है, अब इसको आप बिल्कुल याद रखिए, जन्म के समय आप 7.5 पाउंड याद रखिए, उसके बाद याद रखिए जन्म का दुगना, फिर जन्म का 3 गुना, फिर जन्म का 5 गुना। चलिए, यहाँ पर हड्डियां जो हैं वो 270 होती हैं। ठीक है, कब, शैशव अवस्था में, और शैशव अवस्था से पहले हड्डियां नहीं थी, मांसपेशियां जो थी वो उपास्थि की बनी होती हैं। अब देखिए यहाँ हड्डियां जो हैं वो 270 हो जाती हैं, मांसपेशियों का जो वेट है वो 23% हो जाता है, 23% हो जाता है उसकी बॉडी का। ठीक है, जितना बॉडी का वेट है उसका, उसमें 23% जो है वो मांसपेशियों का वजन हो जाता है। दांत उसके 20 दांत 2 वर्ष के बच्चे के आ जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले देखा था कि जो भी उसके जबड़े होते हैं वो अविकसित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन करके भी याद करते चलिए। नेक्स्ट है, देखिए यहीं पर आप याद कर लीजिए, बात के लिए कुछ भी ना छोड़े, बात के लिए ओनली रिविजन छोड़े। नेक्स्ट है बाल्यावस्था का शारीरिक विकास, 6 से 12 वर्ष तक का बाल्यावस्था होती है। अब हम यहाँ शारीरिक विकास देखेंगे बाल्यावस्था का। उम्र जो है वह है बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष है, यानी 6 वर्ष का और 12 वर्ष का देख लेते हैं। 6 वर्ष में उसकी लंबाई जो है वो 108 सेंटीमीटर हो जाती है, वेट जो है वो 19 किलो हो जाता है। उसके बाद जब 12 वर्ष का हो जाता है तब उसकी लंबाई जो है अभी भी बढ़ रही है, 120 सेंटीमीटर हो जाती है, लेकिन पहले की अपेक्षा लंबाई जो है वह कम हुई है, वेट जो है वह 30 से 32 किलो का हो जाता है। हड्डियों में ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण कठोरता आने लगती है। अब हड्डियां जो है वो मजबूती मजबूत अवस्था में आने लग जाती हैं। ठीक है, पहले कैसी बनी हुई थी, उपास्थि की बनी हुई थी शैशव अवस्था में। उसके बाद हमने देखा, सॉरी, जन्म के समय उपास्थि की बनी हुई थी, शैशव अवस्था में जो हड्डियां जो थी वो 270 हुई, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कोमल थी। अब मांसपेशियां जो हैं
जो हड्डियां जो हैं वह ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण इनमें कठोरता आ गई। मांसपेशियों का वजन कुल भार का 33% हो जाता है, ठीक है, और दांत जो है वो 27 से 28 आ जाते हैं। शैशव अवस्था में दांत जो थे वो 20 थे, जब वो बच्चा 2 वर्ष का था जब उसके दांत 20 हो गए थे, लेकिन बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष में 27 से 28 दांत जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था का शारीरिक विकास जो है वो 13 से 18 वर्ष तक का देखेंगे हम। किशोरावस्था की जो उम्र है यही है 13 से 18 वर्ष। लंबाई जो है वह लड़के की 161 सेंटीमीटर हो जाती है, लड़की की 151 सेंटीमीटर हो जाती है। लड़कों का वेट जो है वह 47 किलो होता है और लड़कियों का 42 किलो होता है। तो यहाँ पर ये भी चीज समझ में आ रही है कि किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों के वेट में अंतर होता है। लड़कियों का वेट जो है वो लड़कों की अपेक्षा कम होता है और हाइट भी लड़कियों की कम देखने को मिलती है और लड़कों की अधिक। लेकिन जब शैशवावस्था की बात करते हैं वहां पर लड़कियों की जो हाइट है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। किशोरावस्था में हड्डियां जो हैं वो 206 हो जाती हैं, दांत अब पूरे 32 हो जाते हैं। मांसपेशियों का वजन जो है वो शरीर के कुल वजन का 47% हो जाता है। तो आज हमने पढ़ लिया है बालक का शारीरिक विकास, जब हाँ जहाँ हमने गर्भाधान से लेकर और किशोरावस्था तक की सारी प्रक्रियाएं पढ़ ली, कितने वेट हो जाता है, कितने उसकी मांसपेशियां हैं वो किस तरीके की हो जाती हैं, दांत कितने हो जाते हैं, लंबाई कितनी हो जाती है, तो ये सब आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बालक का संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, जीन पियाजे की थ्योरी भी पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।